तो भाई फाइनली हम किट्टू के लिए लेने आए थे यहाँ पे बालियाँ, और ज्योति की पसंद आ गई थी। पर ज्योति से मैंने बोला था, मैंने कि तेरे को है ना बर्थडे में दिलाऊंगा, तो उसको सरप्राइज देने वाला हूँ मैं, और मैं लेने जा रहा हूँ बालियाँ ज्योति के लिए, ठीक है। देखते हैं, अभी नहीं बताएंगे ज्योति को, ज्योति को बताऊंगा शाम को जब व्रत खोलेगी उस टाइम पे, ठीक है। ज्योति प्यास लग रही, नहीं लग रही? प्यास तो नहीं लग रही, पर आई जाए तो बढ़िया। सब 8 बज रहे हैं, बड़ी चांद नजर है अभी तक। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, आज है करवा चौथ। ज्योति सुबह से कैसा दिन निकला बता तेरा? मेरा तो बढ़िया ही निकला, मुझे कोई पता, थोड़ा पानी की प्यास लगी हल्की, बिल्कुल मन नहीं हुआ पीने का। भाई आज व्रत मैं भी हूँ, ठीक है ना, अभी आपको आगे पता लग जाएगा मेरा व्रत कैसे बड़ी मुश्किल से तोड़ा है इसने आज। तो भाई अभी चांद निकलने में थोड़ा टाइम बाकी है, बाकी मैंने नेट पे देखा तो टाइम बताया 7:53। भाई सब 8 बज रहे हैं ना, वो थोड़ा हल्की बारिश भी हो गई थी ना। हाँ हल्की बारिश भी हो गई थी कोटा में। तो आज सारे दिन हमने क्या किया, हमारी दिनचर्या कैसी रही आज की, हम वेट करते हैं चांद का, और आप हमारी दिनचर्या देखो दिन में क्या निकला, आज का दिन कैसा निकला हमारा, ठीक है। हाँ सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या किया? और हाँ मेरी ना ज्वेलरी पूरी गांव में है, तो मेरी ज्वेलरी के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि यहाँ नहीं रखते कुछ भी हम, सब कुछ हमारा गांव में रखा है, क्योंकि हम गोल्ड ज्वेलरी पूरी गांव में रखते हैं, यहाँ नहीं रखते कुछ भी। तो चलो आप देखो जब तक आज दिन की दिनचर्या हमारी, आज दिन में क्या किया हमने, जब तक हम वेट करते हैं चांद का, ठीक है। ज्योति अभी 5:35 हो रहे हैं यार, क्यों उठाया तूने मेरे को इतनी जल्दी, नींद आ रही बहुत ज़्यादा मेरे को। तो भाई ज्योति ने मेरे को जल्दी उठाया सुबह, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले अपन कुछ भी खा पी सकते हैं, तो मेरे को नींद आ रही बहुत ज़्यादा, और ज्योति ने उठा दिया मेरे को चाय। जन्म भी देखता मैं तेरा। सो भैया कल शाम को मार्केट से आए थे, तो ज्योति के लिए नारियल पानी लेके आ गए थे, क्योंकि नारियल पानी पीने से पानी की कमी नहीं होती शरीर में, क्योंकि सारा दिन ज्योति को भूखा प्यासा रहना है, तो ज़बरदस्ती मैं ज्योति को पानी पिलाता हूँ, ज्योति मेरे को पिला रही है, थोड़ा बहुत मैं ही पी लेता हूँ, इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। चाय पी लो, आपके लिए चाय बना दी। हाँ क्यों? क्यों? अरे नहीं चाय नहीं पीऊँगा। अरे नहीं पी लो। अरे पागल है कि नहीं पीऊँ चाय रेंदे? क्यों यार मेरे को भी व्रत रेंदे ना यार। क्या होता है व्रत रेंदे? जब तू मेरे लिए सारा दिन भूखी प्यासी रह सकती है, तो इन 7 सालों में एक बार तो मैं भी रह सकता हूँ ना। नहीं मैं तो इसलिए रहती हूँ ताकि आपकी उम्र लंबी हो, आप किस लिए रहोगे? मैं भी तेरी लंबी उम्र के लिए रहूँ। मैं आपसे ज्यादा थोड़ी जीना चाहती हूँ। नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? अंदर नहीं मैं। तूने कब बनाई हो रही? अभी मेरे से पूछ तो लेती ना एक बार। अरे नहीं आप पीलो, कोई जरूरत नहीं। तुझे पता है 7 साल हो गए 8 साल हो गए? 7 साल पहले रहा था मैं तेरे लिए, पता है ना। तो बस तो आप स्वस्थ रहोगे ना? अरे नहीं अरे नहीं नहीं रहने। अरे पागल लेके मैंने रात से सोच रखा है मैं व्रत रहूंगा मैं आज। यार ये गलत बात है ज्योति यार, तो चाय क्यों बनाई तूने? हो रही आपको पीने के लिए। नहीं मैं नहीं पीऊँ, मैं व्रत रहूंगा। नहीं नहीं रहने दे, तू क्यों पिला रही है जबरदस्ती मेरे को? क्यों नहीं? अरे पागल है क्या? क्यों क्या होगा व्रत रहने से? कुछ भी तबीयत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब। यार ये गलत बात है, मतलब मैं इतने दिल से सोच रखी थी मैंने रात से ही तो व्रत रहूंगा, क्योंकि 7 साल पहले रहा था मैं, जब मेरी तबीयत खराब हुई थोड़ी बहुत रात को 10-11 बजे, मेरे जो 4 पार्ट है ना खोपड़ के, ये चारों लपक झपक कर रहे थे, पता लग गया था यहाँ 4 पार्ट है, बहुत फुदक रहे अंदर से। भाई इस बार वापस ट्राई कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं कोई ये आरू किट्टू पिला दे रहे। अरे नहीं नहीं ना मेरी उम्र आपसे ज्यादा हो। चल तेरे हाथ से खुला मेरा व्रत। फिर मेरी उम्र लंबी हो आपसे। हाँ व्रत खुल गया मेरा, खंडित कर दिया व्रत इसने मेरा। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं किट्टू के लिए कान की बालियां लेने के लिए, और यहाँ पर मैंने ज्योति के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रखा है, ज्योति को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, आगे पता लग जाएगा आपको, देखते हैं क्या। नहीं छोटे नहीं रहेगी? हाँ हाँ ये वाली। फाइनली यहाँ पर किट्टू के लिए कान की बालियां ले लेते हैं, और किट्टू कान में बहुत अच्छी लग रही है, वो यहाँ पर रखी हुई थी, ज्योति ने बोला अच्छी लग रही है, अभी मैंने बोला ठीक है तेरे लिए ले लेंगे, तेरे बर्थडे पर तेरे को गिफ्ट दे दूंगा मैं ये लेके, ज्योति बोल रही ओके ठीक है। ये शॉप नंबर 73 और 74 सराफा मार्केट में प्रमोद टांकरा के नाम से, यहाँ पर जाओ, दीदी का बिहेवियर एंड भैया का बिहेवियर बहुत अच्छा था, एंड आपको सामान बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छी आ गई किट्टू की बालियां, अच्छी किट्टू अच्छी लगी अच्छी थी यार, तेरे बर्थडे भी लाएंगे ना। अरे यार मैं मेरा पर्स तो भूल के आ गया, वो रुमाल रुमाल वही रह गया, किट्टू ने डाला था ना, मैं लेके आ रहा हूँ ठीक है ना। मैं अभी आ रहा हूँ जल्दी आना यार। हाँ बस आ रहा हूँ, ध्यान रखना 5 मिनट में आ रहा हूँ। तो भाई फाइनली हम किट्टू के लिए लेने आए थे यहाँ पे बालियाँ, और ज्योति की पसंद आ गई थी, पर ज्योति से मैंने बोला था मैंने कि तेरे को है ना बर्थडे में दिलाऊंगा,
तो उसको सरप्राइज देने वाला हूँ मैं, वो मैं लेने जा रहा हूँ बालियाँ ज्योति के लिए, ठीक है। उसको पता नहीं बिल्कुल भी मैं क्या लेने हैं, उससे बोला है मैंने, मेरा इनकी भूल गया वहाँ पे मैं, तो फटाफट से लेके आता हूँ मैं और देखते हैं ज्योति का रिएक्शन क्या होता है शाम को, कितनी खुश होती हो, उसको पता भी नहीं बिल्कुल भी, तो उसके लिए क्या लेने जा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, अभी नहीं बताएंगे ज्योति को, ज्योति को बताऊंगा शाम को जब व्रत खोलेगी उस टाइम पे, ठीक है। हेलो ज्योति। हेलो। आज का दिन कैसा निकला तेरा? बहुत अच्छा। प्यास वगैरह लगी तेरे को? बिल्कुल भी नहीं लगी। तो अभी शाम को मतलब रात को 7:35 हो रहे हैं और हमारी पूजा चल रही है और कुछ ही टाइम बाद व्रत खोल लेंगे, ठीक है। ज्योति इस बार पहली बार घर पे पूजा कर रहे हैं अपन? कोटा। हाँ कोटा। तो ज्योति पूजा में क्या क्या है इस बार? इस बार ये खाजे बोलते हैं जो है, ये किसके बनाते हैं? ये मैदा। आज मैदा के बनाते हैं। और ये आटे का दीपक है, इसमें व्रत खोलने के लिए पानी है करवे में। अच्छा अच्छा। और ये भोग है, पुए, ये। और ये बहुत मस्त लग रहे हैं यार, है ना? हाँ। क्या बोलते हैं इसको? ज्वार है, इनकी मैं इनकी पूजा होती है आज। अच्छा अच्छा। हाँ। तो चलो करते हैं पूजा, उसके बाद चलते हैं फिर ऊपर, ठीक है। चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू पल खाके मेरी जाना, तुम सुन सा है चुप सा है मदहोश है खामोश है, मदहोश है खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। खुल गया? हाँ। सच्ची बता, पानी प्यास लगी तेरे को? अरे नहीं लगी। बिल्कुल नहीं लगी ना? तो चलो भाई, मेरा भी व्रत था वैसे, सुबह यही सोच के उठा था मैं व्रत रहूंगा इसके साथ, सुबह हाँ सुबह 5 उठ गया इसके साथ मैं कब व्रत रहूंगा, बट इसने 10 व्रत तोड़ दिया मेरा। नहीं आप बस की बात नहीं आपकी, क्योंकि फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट साल रहा था मैं 7 पहले। हाँ। जब ना भाई रात को मतलब 10 व्रत खुला था उस टाइम पे अपना, है ना, बाकी जो मेरी खोपड़ी है ना इसमें 4 पार्ट होते हैं अपने दिमाग के, तो चारों पार्ट मेरे को महसूस हो रहे थे, लपक झपक कर रहे चारों चारों, तो उसने जबरदस्ती मेरे को चाय पिला दी, बट कोई बात नहीं यार, मेरे दिल में हमेशा ये है और हमेशा इसकी लंबी उम्र, भगवान मेरे से ज्यादा ये जिए मेरे हिसाब से, तो नहीं। इसके हिसाब से इससे ज्यादा मैं जीऊँ, ठीक है, तो भगवान देख ले क्या करना, ठीक है, खुश रह सदा और हर बुरी नज़र से बचाए भगवान इसके सुहाग को और मेरे प्यार को, ठीक है। और भाई एक सरप्राइज जो मैंने ज्योति के लिए लिया था दे रहा हूँ, ठीक है। व्रत तो खोल लिया, सब कर लिया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? तेरा गिफ्ट ऐसा हो सकता है, तेरा गिफ्ट लाना भूल जाऊं मैं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, पता है मार्केट गए थे अपन किट्टू के लिए, कुछ लेके आए थे वहाँ से, वहाँ से तेरे लिए कुछ लिया था मैंने। सच बताओ? सच में। तुझे क्या पसंद आया था वहाँ पे? इयररिंग्स। तेरे से क्या बोला था मैंने? तेरे बर्थडे पे देंगे, बट वापस गया था ना मैं रुमाल के बहाने से, तो रुमाल नहीं बोला था मैं तेरे लिए लेके आया था ये।
ये है ना चेंज तो नहीं है ना। अच्छा ऐसा है क्या? कैसा लगा बता तेरे को? बहुत सुंदर। तूने थोड़ा आइडिया लगाया था तेरा किस लिए गए हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना? तो वही आज मेरी बीवी के लिए छोटा सा गिफ्ट, तो हम किट्टू के लिए कुछ लेने गए थे एयरिंग्स, बट ज्योति को पसंद आए थे। पर मैंने इससे बोला था, मैंने कहा ना तेरे को ये दिलाऊंगा तेरे बर्थडे पे, बट मैं चुपके से गया उसके लिए लेके आया, क्योंकि यार अपने लिए इतना कुछ करती है, दिन रात अपने लिए मेहनत करती है, सब कुछ करती है अपने लिए, अपन कुछ भी नहीं करते, तो इनके लिए आप भी बहुत कुछ करते हो करने में। तो नहीं नहीं तुम्हारे सामने मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा वरना। तो दोस्तों ये मेरी बीवी के लिए कैसा लगा आपको? ज्योति कैसा लगा तेरे को? बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगा ना? खुश? थैंक यू। ओके इसको पहनना तू, क्योंकि मेरे मन में था जब किट्टू के लिए लेने गए थे ना, तो मैंने सोच रखा था ज्योति को सरप्राइज दूंगा मैं, इसको बताऊंगा नहीं बिल्कुल मैं। और मैं कैसे भी करके बहाना करके गया रुमाल के बहाने से वहाँ पे, जैसा कि आपने देखा, और इसके लिए लेके आया, इसको पता नहीं था बिल्कुल। बाकी इसको इससे बोला था मैंने तुझे कोई चीज़ पसंद आ रही बता मेरे को, तो इसने बोला था ये पसंद आ रहा है मेरे को, तो मैंने इससे बोला था तेरे बर्थडे पे गिफ्ट देंगे, बट मैंने बर्थडे के पहले ही दे दिया, क्योंकि इससे ऊपर नहीं है चीज़ें, ठीक है ना, बहुत सारी कमाएंगे, ये साथ रहेगी तो इसका प्यार रहेगा, तो ठीक है। और भाई आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बनना, और प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको हमारी फैमिली वाला कंटेंट, जो हमारा प्यार था, जो करवा चौथ वाली प्लानिंग थी हमारी, सब कुछ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और हमारी फैमिली से जुड़ना, ठीक है ना। ठीक है, और हाँ एक बात और बताऊँ मैं आपको, पापा मम्मी आज आने वाले थे यहाँ पे, बट पापा मम्मी नहीं आ पाए, तो कल आएंगे, बट वो तो कल के ब्लॉग में आपको पापा मम्मी मिलेंगे, देख लो ठीक है। पापा मम्मी के लिए कपड़े हैं, पापा मम्मी कल देंगे कपड़े वो, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं? अब खाना खाएंगे नीचे चल के, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आज संडे है तो हमारा ऑलरेडी जैसे पास्ट होता है संडे को हमारे ठाकुर बाबा का, तो मेरा पास्ट वैसे वो पानी पी लिया था मैंने, चाय पी ली थी, तो पास्ट खोलते, ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। कमेंट करना फटाफट, बताना बहुत मेहनत लगी इस ब्लॉग को बनाने में और ये सब कुछ करने में, ठीक है।